हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मलबेरी कल्टीवेशन, मलबेरी वेराइटीज़ एंड मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लीव्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम मलबेरी कल्टीवेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। एक टर्म आती है सेरीकल्चर, मतलब सिल्क वर्म्स की स्टडी, उसके बारे में जानना, ये जो सारी चीज़ें आती हैं सिल्क वर्म के बारे में, इसे सेरीकल्चर में पढ़ा जाता है। तो जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऊपर फीड करती हैं। ऐसे ही सिल्क वर्म की एक स्पीसीज है बॉम्बिक्स मोरई, वो मलबेरी प्लांट्स के ऊपर फीड करती है। सिल्क वर्म्स हमारे लिए बहुत असेंशियल हैं क्योंकि सिल्क वर्म से सिल्क प्राप्त होता है। तो सिल्क वर्म जो हैं उनके जो लार्वा होते हैं वो मलबेरी के प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे। बॉम्बिक्स मोरई के जो लार्वाज हैं वो मलबेरी के प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे, इसीलिए हमें मलबेरी को एक ज़्यादा ब्रॉड एरिया में लगाना पड़ेगा अगर उसका कमर्शियल कल्टीवेशन करना है। तो इसीलिए हम आज देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी वेराइटीज़ सूटेबल हैं, किस टाइप से सिल्क वर्म को फीड कराने के लिए किस टाइप से मलबेरी की लीव्स की हार्वेस्टिंग की जाती है और उनका प्रिजर्वेशन किस टाइप से किया जाता है। सबसे पहले जो आपको इमेज में दिख रहा है वो मलबेरी का प्लांट है। इसको एक बड़े एरिया में लगाया जाएगा अगर सिल्क वर्म का कमर्शियल कल्टीवेशन करना है। तो मलबेरी का साइंटिफिक नेम है मोरस स्पीसीज, जो कि मोरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मलबेरी जो प्लांट है, मलबेरी को हिंदी में बोलते हैं शहतूत। जो प्लांट है उसका मेन कैरेक्टर ये है कि उसकी जो लीव्स होती हैं उसमें बड़ी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो कि मलबेरी जो प्लांट है वो कौन सी इकोलॉजिकल कंडीशंस में ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो मलबेरी जो है वो समुद्र तल से 800 मीटर तक की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। मलबेरी कैन बी ग्रोन अप टू 800 मीटर मीन सी लेवल। मलबेरी की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए या फिर उसके बर्ड्स की स्प्राउटिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए और 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस टेम्परेचर से कम या ज़्यादा हो गया तो मलबेरी जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली रुक सी जाएगी। पर आइडियल टेम्परेचर जो है कि मलबेरी का प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब करता है, उसके लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है, तो 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें कि ह्यूमिडिटी जो है वो 65 to 80% होनी चाहिए और सनशाइन आवर्स जो है वो 5 to 12 आवर्स के मिलने चाहिए पर डे। हर एक पर्टिकुलर प्लांट की एक वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो मलबेरी जो प्लांट है उसमें जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है वो 600 से 2500 mm तक की इसकी रेनफॉल रिक्वायरमेंट है। अगर लो रेनफॉल कंडीशंस हुई या फिर बारिश ज़्यादा नहीं हुई प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें सप्लीमेंटल इरिगेशन देना पड़ेगा। सप्लीमेंटल इरिगेशन कुछ लाइफ सेविंग इरिगेशन से रिलेटेड है। ये क्या होता है, जब प्लांट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने वाला होता है तो उसको डेथ से बचाने के लिए जो इरिगेशन की जाती है उसे सप्लीमेंटल इरिगेशन या फिर लाइफ सेविंग इरिगेशन बोला जाता है। लाइफ सेविंग इरिगेशन जनरली हम खरीफ क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं और सप्लीमेंटल इरिगेशन हम जनरली रबी क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि मलबेरी की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो कि सूटेबल हैं ग्रोइंग के लिए। तो जो इरिगेटेड एरिया है जहाँ पे अच्छी रेनफॉल हो या ना हो पर इरिगेशन के सोर्सेज हैं, पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, वहाँ पे हम कनवा 2, एमआर 2, S30, S36, S54, DD जिसे विश्वा के नाम से जानते हैं एंड V1, इन वेराइटीज़ को कल्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेमी इरिगेटेड एरिया के लिए। तो सेमी इरिगेटेड एरिया में भी हम कनवा 2 और एमआर 2 वेराइटीज़ को ग्रो कर सकते हैं। रेनफेड रीजन के लिए हम S13, S34, RFS135, RFS175 जो वेराइटीज़ हैं मेनली उनको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मलबेरी जो प्लांट है उसका प्रोपोगेशन किस टाइप से किया जाएगा। तो जनरली मलबेरी जो है वो कटिंग्स के थ्रू प्रोपोगेट की जाती है। कटिंग्स को फील्ड में अप्लाई कर दिया जाता है। इसका फील्ड में इसको जब लगाएंगे तो दो तरीके से लगा सकते हैं। कटिंग्स को पहले नर्सरी में लगा के नर्सरी में पहले प्लांट प्रिपेयर करके उसके बाद उनको फील्ड में लगाना, या फिर डायरेक्ट जो कटिंग्स हैं उनको फील्ड में लगा देना। लेकिन जो नर्सरी है उससे प्लांट को पहले डेवलप करके उसके बाद फील्ड में लगाने वाला जो मेथड है वो ज़्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि मेन फील्ड में नर्सरी से प्लांट्स को एस्टेब्लिश करना ज़्यादा ईजी रहता है। बाकी हम दोनों ही मेथड को
जनरली यूज़ करते हैं और जनरली फार्मर्स के द्वारा जो यूज़ किया जाने वाला मेथड है वो डायरेक्टली कटिंग्स को फील्ड में लगाने का है। नेक्स्ट है कि जब हम कटिंग का सिलेक्शन कर रहे हैं, कटिंग मतलब प्लांटिंग मटेरियल, यहाँ पे कटिंग्स हैं, उनका सिलेक्शन करने के लिए उनका सिलेक्शन किस टाइप से करेंगे। तो जनरली मलबेरी जो प्लांट्स हैं, कटिंग्स तीन टाइप की होती है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग। तो मलबेरी प्लांट्स के लिए हम सेमी हार्डवुड कटिंग्स का यूज़ करते हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग्स में जो कटिंग की लेंथ होगी वो 15-20 सेंटीमीटर होगी विद 10-12 mm डायमीटर, जिसमें 3-4 एक्टिव बर्ड्स होंगी। बर्ड्स क्योंकि बर्ड्स से ही तो आगे उसका जो फुटान है वो शुरू होगी, इसीलिए उस पर 3-4 एक्टिव बर्ड्स होनी चाहिए। उसके अलावा आजकल तो कटिंग्स को काटने के लिए प्लांट से पावर ऑपरेटेड मलबेरी कटर्स आ रखे हैं, जिनसे हम प्रोपोगेटिव मटेरियल को आसानी से किसी प्लांट से अलग करके फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें मलबेरी जो प्लांट है उसकी प्लांटिंग कब करनी चाहिए। तो जनरली रेनी सीजन में हमें मलबेरी प्लांट की प्लांटिंग करनी चाहिए, विंटर और समर सीजन में हमें प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो हमें क्या चाहिए, सहतूत के प्लांट में हमें वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, हमें लीव्स की ग्रोथ चाहिए, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और बायो फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो हम एजो स्पाइरिलम को 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 5 डोजेज में दे सकते हैं, 5 डोजेज में इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम बायो फर्टिलाइजर को 50 किलोग्राम FIM के साथ मिक्स करके उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बायो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करने के बाद इरीगेशन जो है वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मॉइस्चर प्रॉपर बना रहना चाहिए। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स को मलबेरी की क्रॉप ही क्यों, बाकी किसी भी प्लांट में भी हम बायो फर्टिलाइजर को कभी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्स नहीं करते हैं। और अगर मलबेरी प्लांट्स में ग्रीन मैन्योरिंग की बात की जाए तो हम सन हेम्प को ग्रो कर सकते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में। माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो जनरली हर क्रॉप को माइक्रोन्यूट्रिएंट की कुछ कुछ कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे यहाँ पे भी मलबेरी के लिए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट 5 ग्राम, फेरस सल्फेट 10 ग्राम, बोरेक्स 2.5 ग्राम, कॉपर सल्फेट 2.5 ग्राम, मैगनीज 2.5 ग्राम। इनको हम हाई वॉल्यूम स्प्रेयर्स का यूज़ करके स्प्रे कर सकते हैं फील्ड में। जो प्लांट्स होते हैं, कोई भी जनरल प्लांट, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट को जनरली रिड्यूस्ड फॉर्म में अपटेक करता है। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब जैसे आयरन जो है उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है आयरन प्लस टू, तो वो जनरली जो न्यूट्रिएंट है, जो आयरन है, उसको आयरन प्लस टू के रूप में अब्जॉर्ब करेगा। यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली रिड्यूस्ड फॉर्म में अपटेक किए जाते हैं सोयल से। नेक्स्ट बात आती है कि प्लांट की प्लांटिंग कर दी है, मलबेरी प्लांट की प्लांटिंग कर दी, उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लिया, इरिगेशन मैनेजमेंट कर लिया, उसने ग्रोथ कर लिया। अब हम सिल्कवर्म्स के कल्टीवेशन के लिए उसकी हार्वेस्टिंग किस टाइप से करेंगे। तो मेनली हार्वेस्टिंग जो है वो रियरिंग प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है कि भाई हम सिल्कवर्म को कैसे, अगर हम प्लांट के ऊपर ही सिल्कवर्म को रियर करवा रहे हैं तो हमें हार्वेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो सिल्कवर्म जो है वो प्लांट से ही लीव्स को फीड करता रहेगा। लेकिन अगर हम किसी बाहर सिल्कवर्म को रखकर फिर उसका कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हम उसकी हार्वेस्टिंग तीन मेथड से कर सकते हैं। या तो हम लीफ पिकिंग कर सकते हैं, या फिर हम स्टेम कटिंग कर सकते हैं, या फिर हम पूरे के पूरे ऊपर तक के प्लांट को कट कर देते हैं और उसके बाद नीचे उसमें 4-5 वीक बाद में न्यू फुटान आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ पिकिंग। इंडिविजुअल लीव्स को पिक कर लेते हैं या फिर पेटियोल के साथ में लीव्स को, पर्टिकुलर लीव्स को तोड़ लिया जाता है प्रत्येक ब्रांचेज से, और 7-8 वीक बाद में ये पिकिंग वापस से कर ली जाती है। यानी कि 7-8 वीक बाद जो लीव्स हैं वो वापस फुटान आ जाएगी उनमें और वो वापस ग्रोथ कर जाएंगी, जिनसे हम 7-8 वीक्स बाद में वापस से उन प्लांट्स की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग का मेथड है ब्रांच कटिंग, जिसमें ब्रांचेस को कट कर लिया जाता है। इसमें बस एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रांचेस की कटिंग करने के लिए से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सारी ब्रांचेस जिनकी हम कटिंग कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैच्योरिटी शो कर रही हैं या नहीं कर रही। तो उसके लिए हम टॉपिंग की प्रोसेस करते हैं ताकि हम उसकी एक समान परिपक्वता को जांच सकें कि ये सारी एक समान मैच्योर हैं या नहीं। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग मेथड है होल शूट हार्वेस्ट। एक पूरे शूट को ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके ब्रांचेस कट कर लिए जाते हैं ग्राउंड लेवल से, और 10-12 वीक बाद में ये फिर से जो फुटान इसमें आ जाती है और फिर से इसमें लीव्स जो है नई वो लगने लग जाती हैं। इसके थ्रू, होल शूट हार्वेस्ट के थ्रू, हम एक साल में 5-6 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कि हार्वेस्टिंग का टाइम क्या होना चाहिए। तो वैसे तो जनरली कोई टाइम नहीं होता हार्वेस्टिंग का, लेकिन अगर हम दोपहर, शाम या फिर सुबह में से एक पर्टिकुलर टाइम को चूज़ करना चाहें तो जनरली हमें जो हार्वेस्टिंग है वो मॉर्निंग आवर्स में करनी चाहिए, सुबह के टाइम पर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग करने के बाद में हम लीव्स को किस टाइप से प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ऐसे कोई केमिकल्स जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। वेट गनी बैग्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर जो बैम्बो बास्केट्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं लीव्स को कवर करने के लिए, और उनको मॉइस्चर मतलब उस पर पानी छिड़कते रहेंगे ताकि मॉइस्चर, नमी जो है वो प्रॉपर बनी रहे और कूल और फ्रेश रहें ये जो लीव्स हैं वो, ताकि हम इसे इसका लंबे समय तक यूज़ कर सकें।